अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटो कैड 2015 में लेसन नंबर 56। आज इस लेसन में हम देखेंगे कि आप किसी भी दो ऑब्जेक्ट को आप सेंड बैक, ब्रिंग फ्रंट और उसके अलावा ब्रिंग अबाउ ऑब्जेक्ट, सेंड अंडर ऑब्जेक्ट किस तरह आप कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं ऑटो कैड को ओपन करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये भी एक न्यू कमांड्स है ये वाली, जो कि आपके ऑटो कैड में ऑटो कैड 2015 में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुई है। इससे पहले ऑटो कैड 2007 में ये कमांड नहीं थी, जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑटो कैड 2015 में या फिर आई थिंक ऑटो कैड 2014 या 13 में भी हो सकती हैं। लेकिन क्योंकि हम ऑटो कैड 2015 कर रहे हैं तो इसमें ये हैं, तो मैं इनको रिपीट करता हूँ। तो स्टार्ट ड्राइंग्स पे मैं क्लिक करूँगा यहाँ से। अब इन कमांड्स को अप्लाई करने के लिए मैं सबसे पहले तो मैं यहाँ से जो गाइडलाइंस हैं इनको ख़त्म करता हूँ F7 से, और फिर मैं यूनिट सेट करता हूँ यू एन इंटर, और आर्किटेक्चर या फिर मैं इंजीनियरिंग यूनिट लेता हूँ और 0 फुट 0 इंच। ओके, अब मैं यहाँ से डायमेंशन सेट करता हूँ। डायमेंशन के लिए डी एंटर करूँगा और यहाँ पे मॉडिफाई इंजीनियरिंग और 0 फुट 0 इंच एंड ओके, सेट करंट क्लोज। ओके, अब मैं कुछ दो ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। आर ई सी रेक्टेंगल लेता हूँ दो, एक मैं यहाँ से यहाँ तक मैंने रेक्टेंगल लिया और एक और आर ई सी प्रेस करके मैं यहां से लेता हूँ। ओके, मैंने दो रेक्टेंगल ले ली यहां से। और अब जो हमारे पास पीछे वाला रेक्टेंगल है, इसके ऊपर भी मैं हैच अप्लाई करूंगा, क्योंकि मैंने हैच अप्लाई करूंगा ताकि आपको क्लियर नजर आए कि कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ पे और कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ पे और किस तरह ये अप्लाई होंगे। हैच या ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट में अप्लाई करता हूँ यहाँ पे और पिक पॉइंट लेता हूँ, तो इसके ऊपर मैंने ग्रेडियंट अप्लाई कर लिया। और दूसरा मैं जो ऑब्जेक्ट है, मैं अब यहाँ से मूव करता हूँ एंटर, इस फ्रंट ऑब्जेक्ट को मूव कर दो ताकि मेरे पास ग्रेडियंट सही अप्लाई हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अप्लाई नहीं हुआ सही, तो उसको मैं डिलीट करता हूँ। अब दोबारा मैं ग्रेडियंट अप्लाई करूँगा, ग्रेडियंट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, अप्लाई हो गया। अब इस दूसरे ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसको भी कोई अप्लाई करता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ से कलर चेंज कर लूँ। इसका भी कर लिया मैंने, ठीक है। अब नीचे इसको मैं सिलेक्ट किया और इसका मैं कलर चेंज करता हूँ। फिर मैं ग्रेडियंट लूंगा, देख सकते दोनों ऑब्जेक्ट थोड़े से डिफरेंट है। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठाता हूँ। अब इस ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट को, क्योंकि ये दो ऑब्जेक्ट हैं आपके पास, एक ग्रेडियंट है और नीचे एक रेक्टेंगल है, दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और उठा के मैं इसके ऊपर रखता हूँ यहाँ पे। अब देखें, सिर्फ ग्रेडियंट ऊपर हुआ है, रेक्टेंगल नहीं उठा, तो उसके लिए मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, बस सही है। अब ये दो जो ऑब्जेक्ट हैं, अब इसमें से भी मैं इसको इसको मूव करूँगा और नीचे वाले को डिलीट ही कर देता हूँ। अब ये दो ऑब्जेक्ट मैंने रखे हुए हैं,
एक ऊपर है और एक नीचे, दोनों ऑब्जेक्ट हैं आप देख सकते हैं। ये इसके टॉप पे और दूसरा बॉटम में है। ये देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें तो मेरे पास ये वाला टॉप पे है और ये वाला बॉटम में। अब इसको मैं बॉटम में लाना चाह रहा हूँ, उसको टॉप पे लाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ से अप्लाई करूँगा। होम में क्लिक करता हूँ और अब मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ यहाँ से। मॉडिफाई में क्लिक करें और मॉडिफाई में आपके पास यहाँ पे आपको बना हुआ नजर आ रहा होगा ब्रिंग फ्रंट और सेंड बैक। तो ये मेरे पास फ्रंट पे है तो इसको मैं सेंड बैक पे क्लिक करता हूँ। अब ये देखिए इस ऑब्जेक्ट को बैक साइड पे चला गया, आप देख सकते हैं। इस ऑब्जेक्ट को मैं मूव करता हूँ ना, यहाँ पे रखता हूँ। अब ये वाला ऑब्जेक्ट मेरे पास फ्रंट पे आप देख सकते हैं, ब्लू कलर वाला ऑब्जेक्ट मेरे पास फ्रंट में है। इसको बैक लेके जाना चाह रहा हूँ तो उसके लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ मॉडिफाई में और यहाँ से इसको मैं करता हूँ सेंड बैक करता हूँ। तो अब देखें वो ऑब्जेक्ट पीछे चला गया ब्लू वाला। अब फ्रंट पे मेरा ये वाला ऑब्जेक्ट है तो मैं इसको आप में बैक लेके जाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए भी मैं फिर होम में जाता हूँ और होम में जाने के बाद मैं इसको बैक साइड पे मैं ऐसे मूव करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं मॉडिफाई में क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं इसको बैक करूंगा, फ्रंट करूंगा तो फ्रंट पे आ जाएगा। तो बस सेंड अबाउट द ऑब्जेक्ट। अब मेरे पास काफ़ी सारे अगर ऑब्जेक्ट बने हुए हैं, काफ़ी सारे अगर ऑब्जेक्ट हों तो मैं अब सिंपल से ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। मैं फॉर एग्जाम्पल कलर कॉम्बिनेशन देख के मैं बनाता हूँ। रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल ले लिया और इस रेक्टेंगल की लेयर में यहाँ से चेंज करता हूँ कलर से, मैं देता हूँ ये वाला और इसकी लाइन की विड्थ भी मैं चेंज करता हूँ। ओके अब मैं एक रेक्टेंगल और ड्रॉ करता हूँ, आर ई सी एंटर। उसका कलर मैंने चेंज कर लिया और विड्थ भी चेंज कर ली और इसको मूव करता हूँ। एम एंटर, यहाँ से आप देखिए तो मेरे पास कौन सा ऑब्जेक्ट फ्रंट पे है, ये ऑब्जेक्ट फ्रंट पे है। सिलेक्ट करके इसकी लाइन की विड्थ थोड़ी ज़्यादा बढ़ा देता हूँ। देख सकते हैं अब इसकी लाइन की विड्थ भी ज़्यादा है। और अब इसको मैं बैक साइड पे या फ्रंट पे लाना चाहूँ तो मैं उसके लिए भी मैं यही काम करूँगा। मॉडिफाई में जाता हूँ, फ्रंट पे मेरे पास ये वाला ऑब्जेक्ट है तो मैं इसको बैक पे लेके जाना चाह रहा हूँ, तो मॉडिफाई में जाता हूँ और यहाँ से मैं ब्रिंग फ्रंट एसेंड बैक करता हूँ। देखिएगा अब ये ऑब्जेक्ट इससे पीछे चला गया है। यहाँ से आप देखें तो वाइट कलर देखें ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, देख सकते हैं आप। यहाँ पर इसकी विड्थ और भी ज़्यादा बढ़ाते हैं तो आप यहाँ से मैं विड्थ इसकी बहुत ज़्यादा करता हूँ और रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। अब विड्थ तो मोटी हो जाती है लेकिन इस पे कलर चेंज, इसका स्टाइल चेंज नहीं हो रहा, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ से मेन्यू बार लें, इस बटन पे क्लिक करके आप यहाँ से शो मेन्यू बार और फॉरवर्ड में जाके आप लाइन टाइप पे क्लिक करें और लाइन स्टाइल सॉरी फॉर्मेट और लाइन वेट पे क्लिक करके ना आप यहाँ से डिस्प्ले लाइन वेट पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो तब आपका लाइन वेट डिस्प्ले होगा। अब इसी तरह मैं एक और रेक्टेंगल ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल आर ई सी एंटर, तो उसके लिए मैं उसका साइज थोड़ा छोटा करता हूँ या एक और रेक्टेंगल ले लेता हूँ आर ई सी एंटर, ये वाला रेक्टेंगल लिया और इसका कलर चेंज कर देता हूँ मैं बस। तो कलर यहाँ से मैं ये करता हूँ। अब आपको सही नज़र आ रहा होगा यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट फ्रंट पे और कौन सा बैक पे है, तो ये फ्रंट पे ऑब्जेक्ट है ये जो कलर है। अब इस कलर को मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, मैं इसको कलर देता हूँ ब्लैक, ब्लैक कर लेता हूँ ताकि क्लियर आपको नज़र आए। तो आप देखें आपको नज़र आ रहा होगा कि ब्लैक कलर जो है आपका वो फ्रंट पे है, फ्रंट
फ्रंट पे है, इसको बैक साइड पे लेके जाना चाह रहे हैं, तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के आपके बाद आप यहाँ से यही काम करेंगे तो आपका सिर्फ बैक चला जाएगा। अब ये काफ़ी सारे अगर ऑब्जेक्ट आपके पास बने हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल, अब एक और मैं यहाँ से सीपी कॉपी करता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके एक यहाँ पे ले आता हूँ, एक यहाँ पे ले आता हूँ, एक यहाँ पे ले आता हूँ। अब एक ये ब्लैक कलर है, एक ये कलर है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ से, ये वाला कलर देता हूँ, इसको मैं चेंज करता हूँ, और इसका कलर मैं यहाँ से दोनों को सिलेक्ट किया है मैंने, सिर्फ इसको सिलेक्ट करना है, इस ब्लैक को सिलेक्ट करता हूँ और इसका कलर मैं यहाँ से देता हूँ जी येलो, और इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसका कलर मैं यहाँ से देता हूँ। अब सबसे फ्रंट पे ये है, बैक पे उससे बैक किया, ऐसे बैक किया, ऐसे बैक किया, और सबसे बैक पे ये वाला कलर है। अब यहाँ से आप बैक करना चाहते हैं, मैं इस फ्रंट वाले को सबसे पीछे करना चाह रहा हूँ, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसको मैं सबसे पीछे लेके जाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, लिखा हुआ है ब्रिंग अबाउ ऑब्जेक्ट या फिर सेंट अंडर ऑब्जेक्ट, तो क्लिक करेंगे इसको। अब ये वाला ऑब्जेक्ट जो है ना, इससे नीचे चला गया है पहले वाले से, सिलेक्ट करें आप इस ऑब्जेक्ट को, राइट क्लिक करें, ओके। अब ये जो फ्रंट वाला ऑब्जेक्ट था मेरे पास, ये वाला, अब ये क्या हुआ, जो सबसे ज्यादा फ्रंट पे था तो ये इस ऑब्जेक्ट के पीछे चला गया, इसको मूव करके आप देखें जरा, देखें तो ये इसे पीछे चला गया, आप देख सकते हैं फ्रंट पे जो था। और इसी तरह अगर इसको मैं फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये वाला ऑब्जेक्ट जो है, ये वाला, इसको मैं इसके पीछे लेके जाना चाह रहा हूँ, इस ऑब्जेक्ट के पीछे लेके जाना चाह रहा हूँ, ये इस पे फ्रंट पे है, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे मॉडिफाई में जाएंगे और इसको आप करें जी सेंड अबाव या फिर सेंड अंडर द ऑब्जेक्ट, क्लिक करें इसको, कौन से ऑब्जेक्ट के अंडर हो, इस ऑब्जेक्ट के अंडर हो, और सेलेक्ट करके एंटर करें, तो देखेंगे उस ऑब्जेक्ट के अंडर हो गया, चला गया, नीचे चला गया, देख सकते हैं। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं। और उसके अलावा अगर इसी ऑब्जेक्ट को मैं, फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, इसको मैं येलो के ऊपर लेके आना चाह रहा हूँ, इसको मैं येलो के ऊपर लेके आना चाह रहा हूँ, तो इसको सिलेक्ट करें और यहाँ से आप क्लिक करें और इसे करें जी सेंड अबाउट ऑब्जेक्ट, ब्रिंग अबाउट ऑब्जेक्ट, क्लिक करें, और कौन से ऑब्जेक्ट के मैं येलो के ऊपर लेके जाना था तो येलो के ऊपर आ जाएगा, और मैं अगर इसके ऊपर लेके आना चाह रहा हूँ, उसको सबके सबसे ऊपर लाना चाह रहा हूँ, तो मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा और एंटर करूंगा ना, तो अब देखें ये वाला ऑब्जेक्ट सबसे ऊपर आ गया, देख सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट से भी ऊपर आ गया, आप देख सकते हैं। तो ये कुछ टेक्निक्स थी जी आपके ऑब्जेक्ट को मूव करने की, और आपके ऑब्जेक्ट को सेंड फ्रंट बैक, ब्रिंग फ्रंट बैक, अबाउ अंडर, ये सारी चीज़ें आज हमने की। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी, इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, खुदा हाफिज़।